फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। देश और विदेश में अपने जो नृत्य प्रतिभा है उसके जरिए नाम कमा चुकी और प्रसिद्धि पा चुकी कलाकार अब छत्तीसगढ़ में आने वाली है और छत्तीसगढ़ में वो एक ऐसे इवेंट के लिए आ रही है जिसमें कि जो छत्तीसगढ़ की प्रतिभा है वो अपना टैलेंट दिखाएगी और वो इसको जज करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट को कराने वाले जो आयोजक हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सपना चौधरी जो छत्तीसगढ़ आ रही हैं उनका क्या कार्यक्रम है और क्यों सपना चौधरी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्यों सपना चौधरी यहाँ पर आ रही है। हम लोग क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को आगे प्रमोट करना है और हम चाहते हैं कि लोकल लोगों को लोग पहचाने, तो क्राउड ग्रेडिंग के लिए हम सपना चौधरी बुला रहे हैं ताकि सपना चौधरी के नाम से सब आए और देखें कि लोकल लोग के भी अंदर टैलेंट कितना टैलेंट है। ये सारा आयोजन है किस तरह का और क्या इस आयोजन के पीछे उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि लोकल लोग को भी मौका मिले, मंच मिले, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस मामले कहाँ कहाँ कराया ये प्रोग्राम अपने, मतलब जो वहाँ पे प्रतिभा आ रही हो कहाँ? बेसिकली इसमें चार जगह कराया गया है, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई, और ये चार कैटेगरी में किया गया है। जैसे कॉमेडी में किए हैं, डांस में किए हैं, सिंगिंग में किए हैं। इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें 40 फाइनलिस्ट में पहुंचे हैं, 40 लोग फाइनलिस्ट में पहुंचे हैं अभी। ये जो आयोजन स्थल है वहाँ पर कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? इसमें कुछ बैठने की व्यवस्था है, कुछ खड़े रहने की व्यवस्था है, मतलब करीब करीब 15,000 लोगों की गैदरिंग की व्यवस्था की जा रही है। आपको क्या लग रहा है कितने लोग आयोजन में शामिल होंगे? 15,000 मिनिमम मुझे लगता है कि लोग आएंगे और मैं चाहता हूँ आए ताकि सबको पता चले कौन है, कौन कौन क्या क्या कर सकता है, क्योंकि खाली क्या हो रहा है, लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ कराते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। इससे लोगों को फ़ायदा हो, पहचानेंगे तो उनको काम मिलेगा आगे। ये बड़ी है कि लोग, आम लोगों में ये जरूर धारणा रहती है कि एक जो सपना चौधरी आ रही है तो वो एक मोटी रकम लेके आ रही होंगी, तो इसमें क्या है? ऐसा कोई नहीं है मोटी रकम लेके आ रही है, मेन वो भी सपोर्ट कर रही है, तो उसमें ऐसा कोई मोटी रकम नहीं ले रही है वो। कितना ले रही है? अब वो तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये हमारी को टीम का वो है, को टीम्स को लीक नहीं करने दे सकते। अच्छा, ये आप पुलवामा जो शहीद हुए हैं वहाँ पर लोग, उसको लेकर भी आपका इस इवेंट से कुछ ज्वाइन? हाँ, हम लोगों ने कुछ वादा किया है कि हम कल ही कलेक्टर को 50,000 रुपये दिए हैं और हमने वादा भी किया है कि हम कुछ हिस्सा अपने इवेंट से डोनेट करेंगे। और तो छत्तीसगढ़ के लोग तैयार हो जाए, सपना चौधरी जल्द ही छत्तीसगढ़ में आने वाली है। हालांकि आयोजक जो है उसकी जो क्या फीस लेकर वो आ रही वो तो नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है कि ये बात भी आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाए। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।